हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं बल्टन पार्क जलंधर में, और यहाँ पे जाके देखेंगे कि कौन सी लाइट्स लगी हैं। मतलब दिवाली जो है वो त्यौहार है लाइटों का, तो अगर मैंने आपको लाइटें ही नहीं दिखाई, सीधा पटाखे दिखा दी, तो वो बात नहीं बनेगी। सो हम पहले प्यारी प्यारी लाइट्स देखेंगे, उसके बाद पटाखे देखेंगे, ऐसे हमारा कुछ व्लॉग आज का बनेगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे शाम को, और शाम तक मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे फ़ोन की स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा फुल हो चुकी है, तो कुछ चीज़ें मुझे डिलीट करनी पड़ेंगी। तो हम जाएंगे शाम को, वहाँ पे सारे जो भी बात करके देखेंगे लोगों से। बट परसों भी मैं गया था, और जो लाइट्स ज़्यादा बेच रहे थे ना, वो जहाँ तो बच्चे थे और जहाँ तो वो लेडीज़ थी। सो मैं इतना ज़्यादा एक एक बार ही पूछूंगा सबको, जो मान गया उसका इंटरव्यू भी शायद ले लें। बट प्राइस का क्या है यार, पता तो होता है, 200-300 के बीच में रहता है सारा प्राइस, इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर कोई ज़्यादा बोलता है तो उस दुकान का आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज करके कुछ फ़ायदा नहीं होता। सब चाइनीज़ आइटम होती हैं, ये इनका प्राइस कम होता है, बट जो इंडियन होता है उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो ऐसी कुछ हमारा व्लॉग होने वाला है आज, बहुत खास व्लॉग होने वाला है, आपको देखना चाहिए। और जो लोग नहीं जा सकते, मतलब देखो मैं अपने व्लॉग्स में दिखाता हूँ बिल्कुल यूनिक सी चीज़, बिल्कुल अलग, बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा उसको छोटी छोटी चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि देखो जो हमारी आँखें नहीं देख सकती वो कैमरे की आँख देख सकती है, मतलब कैमरे का जो सेंसर है, लेंस है, वो देख सकता है। तो मैं आपको बस ऐसे ट्राई करता हूँ कि जो भी मुझे बेस्ट लगे, इतना अच्छा लगे ना आपको दिखाने के, कि आप जो मुझे टाइम दे रहे हो वो टाइम आपको वर्थ इट हो, मतलब आपको वापस कुछ मिले देखने के लिए अच्छा सा। सो ऐसा हमारा मोटिव रहता है, जो मैं आपको मेन मेन चीज़ बता रहा हूँ। तो अभी जल्दी जल्दी बिना किसी बकचोदी के आगे चलते हैं, हम चलते हैं आज लाइट्स देखने। मतलब लाइट्स वैसे भी मेरी फेवरेट है, तो आज लाइट्स देखने के मज़े ही मज़े। बट लाइट्स के साथ साथ मैं आपको और भी कुछ दिखाऊंगा, अगर मुझे वहाँ पे कुछ अच्छा सा मिल गया वो भी। तो चलिए अभी मिलते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आज जैसे हम सब जानते हैं कि दिवाली में जो है, या दशहरे में जो बल्टन पार्क है जलंधर में, वहाँ पे सबसे बढ़िया जो है जो फायर क्रैकर का मार्केट लगता है, जो यहाँ पे पटाखे हो गए, लड़ियाँ हो गई, जो दिवाली का जो सामान आप यूज़ करते हो वो सब आपको एक ही यहाँ से मिल जाएगा। तो आज हम आए हैं वहाँ, तो जल्दी जल्दी हमारे साथ, पहले तो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारे साथ यहाँ दक्ष, जिसको हम प्यार से मोटा कहते हैं। आप पीछे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह लोग बेच रहे हैं। मतलब हम, मैंने 4-5 लोगों से बात की, बट कोई भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था व्लॉग बनवाने में, तो मैं किसी को भी अनकम्फर्टेबल फील करवा के अपना व्लॉग नहीं शूट करना चाहता। सो मैं आपको बस बी रोल्स ही दिखाऊँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, आपको दिखाने के लायक होगा। मैं सिर्फ वही चीज़ें आपको दिखाऊँगा कि ना आपका टाइम वेस्ट हो ना हमारा। मतलब ऐसे यार, कई लोगों को सच्ची में अच्छा नहीं लगता, जैसे स्टार्टिंग में मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगता था व्लॉग्स बनाना, मैं आपको सच बताऊं तो। बट अभी अच्छा लगता है, अभी कैमरे के सामने इतना ज़्यादा फील, नर्वस फील करता हूं मैं, बट इतना नहीं जितना पहले था। तो चलिए जल्दी जल्दी बिना किसी और मतलब मैं बोलने वाला था बिना किसी उपचुदी के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सच्ची में अभी व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। लो यार ये देखो, ये तुलसी माता जो है, ये छोटा दिया कितना प्यारा लग रहा है ना, और ये पादुका, चरण पादुका, मतलब ये देखो यार, ये भी है कुछ, वाह यार, मतलब ये सारा सामान जो लड़कियां हैं उनके लिए बहुत सही है यार। ये भी है 5 दियो का पूरा पैकेट, ये देखो अलग अलग, ये भी है मोरपंख, ये भी है, और ये देखो बड़ा पत्ते वाला दिया, वाह यार ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे दिए, मतलब इनका प्राइस पता नहीं क्या रहने वाला है, बट प्राइस पूछ भी सकते हैं, प्राइस पूछने गया मोटा।
उधर देखते हैं आगे, ये सब कद्दू आगे जो भी फल फूल, मतलब ये है गुल्लक है, बड़ी जो होती है ना गुल्लक, वो ये बहुत अच्छी होती है। और ये अभी देख लेते हैं कैसे, उनका प्राइस है 50 रुपये दर्जन, देख लो छोटे छोटे हैं। ओके, मंदिर में अंदर रखने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है वो अपना रुई पतली जलेगी और इतना ज़्यादा धुआं भी नहीं होगा। हेलो यार, दूसरी साइड आए हैं, यहाँ भी बहुत कुछ है। ये देखो ये दिए जो चीनी मिट्टी होते हैं काफ़ी अच्छे वाले, मतलब बहुत कुछ है यार, आप देख सकते हो यहाँ पे।
मतलब यार देखो, आप सब लोगों को पता है कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि रोड पे ध्यान से निकलो, ध्यान से ये करो, ध्यान से वो करो। कल के दिन यहाँ से हम जा रहे थे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मतलब एक था TVS RR 310 और एक था स्प्लेंडर, हमारा लोड पकड़ा। तो लोड स्प्लेंडर के ऊपर खच्चे उड़ गए गाइस, तो उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया स्प्लेंडर का। और जो RR था उसका नुकसान कम हुआ, बट जो उसका रिपेयर करने के चार्जेस आए तकरीबन स्प्लेंडर के सेम से नहीं आएंगे। तो ऐसी कुछ बातें हैं, क्योंकि दिवाली हुए सबको हैप्पी हैप्पी होना चाहिए उसको, है ना। बट अगर चोट लग गया तो सब सैड सैड हो जाता है। तो इसीलिए गाइस देखो, बाइक चलाओ, धीरे चलाओ, ध्यान से चलाओ, हेलमेट डाल के चलाओ जैसे वो अंकल चला रहे हैं सामने वाले। बस यही कुछ बातें हैं यार। देखो मैं आपको मानता हूँ अपनी फैमिली, तो फैमिली का ख्याल रखना हमारा फर्ज होता है। तो अभी मिलते हैं घर जाके गाइस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेस्ट रखना स्टार्ट हो चुका है।